नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से पटेल कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास क्या होगा। आज का जो हम लोग क्लास होने वाला है वो डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन का पार्ट टू। इससे पहले एक पार्ट हो गया, अगर वो पार्ट किसी ने नहीं देखे तो वो पार्ट को पहले आप देखिए, उसके बाद में यहाँ पर ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो पार्ट टू में आज कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी आता है, यहाँ से जो क्वेश्चन आज का टॉपिक से आएगा वो 3 मार्क्स का आता है, ठीक है। बाकी डिफरेंशिएशन से जो क्वेश्चंस या तो 3 मार्क्स या तो 5 मार्क्स या तो 8 मार्क्स, ये तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। बाकी सिलेबस में बतलाया गया 5 मार्क्स, बट वैसा कुछ नहीं है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और वो एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर सेवन। और क्वेश्चन नंबर सेवन में बोल रहा है 3x का पावर 5 + 3x का पावर 3 + 3x का पावर 3 - 5। हम लोग पार्ट वन में क्या किए थे, पूरा सिंपल वाला क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किए थे जो 1 मार्क्स का आता है, ठीक है। बाकी पार्ट टू में थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चंस में इन करें, ठीक है। तो यहाँ पे याद सिर्फ ये रखेंगे कि डिफ्रेंशिएट क्या चीज़ का होता है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट क्या चीज़ का होता है, एक्स का पावर का, उसके अलावा किसी भी चीज़ का डिफ्रेंशिएट नहीं होता, ठीक है। तो चलिए डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। बात अलग है कि इक्वेशन में ज़्यादा है कि क्या है, उससे कोई मतलब ही नहीं बनता, बस आप कंसेप्ट याद रखिए, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लेट करते हैं। लेट किसके अकॉर्डिंग करते हैं, लेट वाई इक्वल टू, जो भी क्वेश्चन है सबको लेट कर दो, 3x का पावर 5 + 3x का क्यूब - 5, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी बाई बा डी एक्स, डी इंटू वाई की जगह पे क्या लेट किए हैं, 3x का पावर 5 + 3x का पावर 3 - 5, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये जो डी है सबके लिए इनटू में है, और जो डी एक्स है वो सभी एलिमेंट्स के लिए डिवाइड भी है, ठीक है। सबको क्या करेंगे, इंडिविजुअल कर देते, ठीक। जैसे डी इंटू 3x का पावर 5 डिवाइड बाय डी एक्स, क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि डी इसके लिए भी इंटू है, इसके लिए भी इंटू है, इसके लिए भी, अरे डी एक्स जो है इसके लिए भी डिवाइड है, इसके लिए भी डिवाइड है, इसके लिए भी डिवाइड है, ठीक है। प्लस था, प्लस डी इंटू 3x का पावर 3 डिवाइड बाय डी एक्स माइनस डी इंटू 5 का पावर डिवाइड बाय डी एक्स, क्लियर हुआ। अब इंडिविजुअल हो गया पार्ट वन के अकॉर्डिंग, जिस तरह से एक एक क्वेश्चन आता था ना उसी तरह से हुआ। अब डिफ्रेंशिएट नहीं होगा आपसे, अब डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कीजिए। कैसे करेंगे, सबसे पहले 3 को बाहर निकालते हैं, 3 × dx का पावर 5 डिवाइड बाय डी एक्स, प्लस फिर से 3 बाहर निकल गया, 3 × dx डिवाइड बाई डी एक्स माइनस d5 डिवाइड बाई डी एक्स। बाहर क्यों निकाले 3 को यहाँ पे बाहर क्यों निकाले, क्योंकि क्या बोले थे, डिफ्रेंशिएट सिर्फ किस चीज़ का होता है, x का होता है। तो इसको बाहर निकाल दीजिए बच्चे, ठीक है। बाकी देखिए डिफ्रेंशिएट करने का रूल क्या था, पावर को बाहर निकालना और पावर में से 1 माइनस करना, ध्यान से, पावर को बाहर निकालना और पावर में से 1 को माइनस कर देना, ठीक है। तो चलिए देखिए फर्स्ट में क्या है, 3 × पावर क्या है 5, 5 को बाहर निकाल लिए, और x का पावर 5 है, x का पावर 5 में से कितना माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे, x का पावर 5 - 1, ये सॉल्व हो गया। प्लस नेक्स्ट में प्लस दिए, 3 × यहाँ पे कुछ नहीं था, इंटू है ना, इंटू 3, पावर को बाहर निकाले और पावर में से 1 को माइनस कर दिए, ठीक। और नेक्स्ट 5 में क्या, 5 में क्या करें, 5 को बाहर निकालें, 5 हो जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम क्या बतलाए थे, ओनली 4x का ही डिफ्रेंशिएट होता है, बाकी सबका 0 हो जाएगा। तो 5 का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, माइनस जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे सारा सॉल्व कीजिए, इंटू करेंगे 15x का पावर 5 में से 1 चला गया तो 4 बचा, प्लस 3 × 3 9,
एक्स पावर क्या हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। ए हम लोग का आंसर। क्लियर हुआ? यहाँ पे कॉपी कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 में ये हम लोग का गिवन है, ठीक है। बाकी इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं, लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू 1 + 3x का स्क्वायर, यहाँ पे 2x का क्यूब -1, ठीक है। क्या ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा हम लोग से? पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करेंगे, क्या है आपस में एक दूसरे के इंटू में इंटू करेंगे, 1 से इंटू करेंगे सारे एलिमेंट्स को, फिर 3x स्क्वायर से इंटू करेंगे सभी को, ठीक है। इंटू कीजिए 1 से इंटू 2x क्यूब -1 प्लस 3x स्क्वायर को इंटू करेंगे 2x क्यूब -1 से, ठीक है। इंटू करते 1 से इंटू कीजिए क्या हो जाएगा 2x क्यूब, 1 से इंटू करेंगे तो -1 कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब प्लस 3 से इंटू करेंगे तो 3 से इंटू करेंगे इसको तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 हो गया, और एक्स स्क्वायर है और एक्स का पावर क्यूब है तो एक्स इंटू में पावर क्या होता है प्लस होता है, याद रखिएगा पावर क्या होता है इंटू में प्लस हो जाता है, एक्स का पावर क्या हो जाएगा 5। 3x स्क्वायर -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -3x का स्क्वायर, ठीक है। आप पावर को अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर से ही, ठीक है। क्या हो जाएगा सबसे पहले 6x का पावर 5 प्लस 2x का पावर क्यूब, ये बड़ा है उसके बाद में, उसके बाद क्या ये है -3x का पावर 2 -1, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा डी बाई बा डी एक्स इक्वल टू डी इंटू वाई की जगह पे क्या आ गया वैल्यू है, पूरा ये वैल्यू है, इसको पुट आउट कीजिए 6x का पावर 5 प्लस 2x का क्यूब -3x स्क्वायर -1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा dx। अब क्या करेंगे हम लोग, ये सभी को अलग कर दें, इंडिविजुअल में कर दीजिए, d इंटू 6x का पावर 5 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा dx हो गया, प्लस d इंटू 2x का क्यूब डिवाइड बाय dx माइनस d इंटू 3x का पावर 2 डिवाइड बाय dx, नेक्स्ट में -1 है तो -d इंटू 1 का पावर dx। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर है नंबर को बाहर निकाल लेते, निकालिए 6 इंटू डी इंटू एक्स का पावर 5 डिवाइड बाय डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या निकलेगा 2 निकल जाएगा 2 इंटू डी एक्स का पावर क्यूब डिवाइड बाय डी एक्स माइनस यहाँ पे क्या निकलेगा 3 इंटू डी डिवाइड इंटू एक्स का पावर स्क्वायर डिवाइड बाय डी एक्स माइनस डी इंटू 1 डिवाइड बाय डी एक्स, ठीक है। चलिए अब रूल क्या था डिफ्रेंशिएट करने का, रूल यही था पावर को बाहर निकालना, पावर में से 1 को माइनस कर देना। आगे देखिए 6 इंटू यहाँ पावर कितना है 5 है, 5 को बाहर निकालें और 5 में से क्या करेंगे 1 को माइनस कर देंगे, 5 माइनस 1 प्लस था प्लस, 2 इंटू पावर कितना है 3, 3 को बाहर निकाल लिए, उसके बाद में एक्स का पावर 3 में से 1 को माइनस कर दिए, माइनस साइन था माइनस लिखे, 3 इंटू पावर कितना 2 को बाहर निकाल लिए, उसके बाद एक्स का पावर जो है 2 में से -1, बाकी हम बता दिए एक्स के अलावा कोई भी नंबर अल्फाबेट है उसका डिफरेंशिएट क्या होता है 0। इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 30x का पावर माइनस कर देंगे तो 4 प्लस कितना हो जाएगा 6x का पावर माइनस करेंगे तो 2 माइनस 6x का पावर माइनस करेंगे 1 तो एक्स पावर तो 1 छिपा हुआ है, बस यही आंसर हो गया। अब आगे देखिए आप लोग इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते, कैसी
सब में कॉमन निकल रहा है, और कॉमन कितना निकल रहा है, 6 निकल रहा है, और 6 के साथ में x भी सब में x भी कॉमन निकल रहा है, तो सिर्फ 1 ही x निकलेगा, क्योंकि 1x के अलावा इसमें ज़्यादा है ही नहीं। क्या कॉमन निकल जाएगा, 6x निकल गया। उसके बाद बचा क्या, यहाँ पे 5 बचेगा, और x 4x में से एक निकल गया, क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 तो बाहर निकल गया, 2x है निकल गया, क्या बचेगा सिर्फ x, यहाँ माइनस, यहाँ तो सारा कुछ बाहर निकल गया, क्या बच गया 1। आप ऐसे भी आंसर दिखा सकते हैं, ठीक है। इसको आप कॉपी कीजिए, और बाकी जितना भी एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन है 12 तक, उसको आप सॉल्व कर लीजिए।